निफ्टी की चार्ट की बात करें तो आज जो क्लोजिंग निकल के आई है वो है 12,048 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक बार जो 9 अक्टूबर से एक सपोर्ट लेके जो मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के एक पैटर्न यहाँ पे बनाई है 25 अक्टूबर को, फिर वापस से एक अपर साइड के रिट्रेसमेंट आया, फिर एक डाउनफॉल हुआ है। पे यहाँ पे डाउनफॉल होके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ से फिर सपोर्ट मिला है, थोड़ा साइडवेज यहाँ पे मूव लिया है निफ्टी ने, लेकिन अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार ये सपोर्ट यहाँ लेने आया था इस लाइन पे, लेकिन वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट आया अपर साइड, और वहां से अपने स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर से यहाँ से गिरावट आई, अगर ग्लोबल मार्केट का जो है वो हैंगसेंग का और डाउ जोन्स का जो सपोर्ट नहीं मिला, तो निफ्टी 11,950 तक यहाँ पे जाने की डेफिनेटली अभी शक्यता बन रही है। चार्ट चार्ट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके देखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो जूम बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो एक बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, दूसरी बार यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे अभी ये तीसरी बार जो यहाँ पे सपोर्ट पे ही अभी ये जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका पहला सपोर्ट है, ये दूसरा है दोस्तों, और अभी ये तीसरे सपोर्ट के आसपास ट्रेड ये कर रहा है। तो अभी स्ट्रांग सपोर्ट ये बन गया है, ये जो 10 लाइन है वो। तो अगर इसके ये लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली 11,950 का ये लेवल है वो आ सकता है, और अगर यहाँ से मूवमेंट अपर साइड आई तो पहला जो लेवल वो निकल के आ रहा है वो है 12,150 का। तो निफ्टी की ये मूवमेंट है वो आप ध्यान में रखें। अभी आरबीएल शेयर की बात करें तो यहाँ पे एक गिरावट आई थी, यहाँ पे स्विंग इसने एक बार कंप्लीट किया, अभी ये यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना है, अभी देखना पड़ेगा कि किस लाइन को ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप लास्ट में जो हैमर पैटर्न अभी देख रहे हो, तो ये येलो लाइन से अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये कंफर्टेबली 400 का टारगेट रख के आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ऊपर के साइड अगर निकलेगा तो आपको स्टॉप लॉस वो रखना पड़ेगा 360 का। ठीक है, और अभी चल रहा है वो 377 का। अब नीचे की लाइन पे ब्रेक किया, नीचे का जो सपोर्ट है वो तो 350 का नेक्स्ट टारगेट है, तो वहां का स्टॉप लॉस आप 380 लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हो। अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है आरबीएल बैंक की बात करें तो। रिलायंस की बात करें तो एक नीचे के साइड से अप मूव जो मिला है, तो इसने हाई लगाया है 1614 का। तो अभी एक ऊपर की साइड से डाउनफॉल या फिर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, वो अभी ये रेड कैंडल में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसका जो 1550 का जो लेवल है, 1550 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे, तो आपको ध्यान रख के चलना। इसी का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाकी पोजीशन में रहना है। अगर यहाँ से डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे गिरावट आई, तो 1550 तक ये सबसे पहले यहाँ पे टच कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी ऊपर से रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है वहाँ पे, तो आगे रिलायंस का ऊपर मेरी एनालिसिस की वीडियो यहाँ पे बनती रहेगी। यस बैंक की बात करें तो एक स्विंग यहाँ पे कंप्लीट करके, जो कि स्विंग कंप्लीट हुआ था 5 नवंबर को, फिर यहाँ पे एक थोड़ी साइडवेज जैसा मूव चला है। अभी लग रहा था अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ये निकलेगा यहाँ पे 75 के ऊपर, लेकिन वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और ये जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है यहाँ पे उसके नीचे तोड़ के अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसका जो क्लोजिंग प्राइस आई है दोस्तों वो है 63 रुपीज 80 पैसा। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर डाउनफॉल लेगा तो सबसे पहला जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो जो सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो 55 तक ये जाने की क्षमता रखता है नीचे के साइड। तो आप इंट्राडे में अगर एक गिरावट में मिले तो आप डेफिनेटली इसको सेल कर सकते हो। इंडिया बुल्स की बात करें तो एक स्विंग ये कंप्लीट करके, जो कि ये गिरावट जो स्टार्ट हुई थी 30 सितंबर को, तो वहां से उठ के ये इसके जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखे हम जो बुलिश साइड है वो है 28 नवंबर। तो फिर ये जो बड़ी वाली जो लाल कैंडल जो यहाँ पे बनी है, एक डाउन ट्रेंड मिला है यहाँ पे डाउन मूव, तो नीचे का जो लो बनाया था वो है 272 का। ठीक है, अभी क्लोजिंग प्राइस आई है दोस्तों तो वो है 302 पे। तो ये येलो लाइन है वो सपोर्ट की तरह वर्क करेंगी, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 275 तक। ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली अभी बाय में
बने रह सकते हो। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक नीचे से एक जो मूव मिला था, फिर ये थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हुआ है, ठीक है, फिर अचानक से डाउनफॉल आया, फिर अपना यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास आके फिर एक बाइंग आई, और यहाँ पे दोस्तों ये अपने सप्लाई जोन पे अभी खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली गिरावट आ सकती है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो इसका जो सप्लाई जोन का जो रेजिस्टेंस का जो अभी अब स्टॉप लॉस लगा हुए वो है 122 रुपये का। तो डेफिनेटली फ्यूचर में इसको अगर सेल कर सको तो 122 का स्टॉप लॉस लगा के, जो कि क्लोजिंग प्राइस आई है 120 तक, तो थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो, 125 का स्टॉप लॉस लगा के इसको डेफिनेटली आप सेल करिए। और इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आ सकता है 116 तक, 116 तक ये नीचे जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहीं से एक डाउनफॉल मिला था आगे भी, और यहाँ यहीं प्रोजेक्ट प्राइस जो है वो रिजेक्ट इसी लेवल से अभी हो रही है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी की दोस्तों बात करें तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही है, जो कि रेजिस्टेंस क्रॉस करके कंफर्टेबली ऊपर गया था, तो इसने हाई लगाया था 32,160 का, 32,160 का हाई लगा के फिर रिट्रेसमेंट वहीं पे कर रहा है थोड़ा, तो जो दो कैंडल जो बनी है यामा टाइप की, तो यहाँ से अपने अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही है। पहले भी यहाँ से यही सपोर्ट से यहाँ पे बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस था यहीं से एक गिरावट आई थी, फिर अभी ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके कंफर्टेबली ये ऊपर गया है, ठीक है, और अभी वापस से नीचे की साइड रिट्रेसमेंट एक दे रहा है। तो अभी ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये स्ट्रांग सपोर्ट का एक काम करेगा, लगता है यहाँ से बाइंग आ सकती है। अगर ये यहाँ पे बात करें तो 31,700 का लेवल जो तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे आई, तो अभी गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे बहुत दिन से जो कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था, देख सकते हो, तो इसका रेजिस्टेंस तोड़ के डेफिनेटली ऊपर गया है और अपनी बाय पोजीशन में अभी ये कंटिन्यू है, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड जो आज भी मिला है वो लगता है कंटिन्यू रहेगा। तो आप ये 4 आवर की अभी कैंडल में ये देख रहे हो, 4 आवर की, तो ये जो लाल कैंडल बनी है, तो अगर ये 456 का लेवल तोड़ेगा यहाँ पे तो डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। और ये ऊपर का यहाँ पे जो हाई लगा है अभी 485 का, इससे ऊपर जाएगा तो ये 500 तक के लेवल भी आगे देखने को मिलेंगे भारतीय एयरटेल के शेयर में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो एक साइडवेज जोन, ये जो एक लिमिटेड डायरेक्शन में अभी ये ट्रेड कर रहा था साइडवेज जोन में, वहाँ तोड़ के नीचे गया था, फिर थोड़ा एक अपमूव मिला यहाँ पे, और ये 20 सितंबर से जो अचानक जो बढ़ावत आई है, तो अभी ये नया एक कंसोलिडेशन कर रहा है, नया जोन यहाँ पे बना लिया है, तो अभी ऊपर नीचे के यहाँ से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है और नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी 1555 का यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1636 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो किसी एक और निकलना अभी देखना पड़ेगा कि ऊपर का सपोर्ट ये नीचे सपोर्ट तोड़ता है कि ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो अभी लगता है कि ये अपने पॉजिटिव मूव में ही है, अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि 1631 पे बंद दिया है, तो आप 1600 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में अभी ये कंटिन्यू है। स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक की कमेंट में एक मैसेज आया था कि इसके ऊपर एनालिसिस के एक वीडियो बना के दो हमें, तो आप देख सकते हो स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक एक रेंज में ही घूम रहा है। यहाँ से बात करें 99 से गिरावट जो स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो अपने डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है 6 मंथ की टाइम फ्रेम में देखे तो। तो अभी एक बार जो यहाँ से सपोर्ट लिया है 67 से, ये पहला ये सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये दूसरी ये जो सपोर्ट है यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। दो बार यहाँ से सपोर्ट लेके एक अपमूव मिला था, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड इसने पकड़ लिया प्रॉफिट बुकिंग में, तो फिर से एक अपमूव देने की कोशिश की, लेकिन ये 80 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुआ, फिर ऊपर ये जा नहीं सका है, ठीक है। अभी ये फिर से डाउन ट्रेंड में ही है, तो ये तीसरी बार 67 पे अभी ये एक्ट कर रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करेगा तो अभी आगे 55 का जो लेवल है वो देखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ से
70 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल में बने रह सकते हो। इसमें बात करें तो अगर आपको बाय करना है तो इससे 70 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करना चाहिए, तभी आप इसमें बाय की पोजीशन बना सकते हो। ग्रासिम की बात करें तो नीचे के साइड से 7 अक्टूबर से एक अप मूव मिला है, तो यहाँ पे 770 तक गया, फिर एक डाउनफॉल मिला, 667 से वापस से एक अप ट्रेंड मिला है, ये स्ट्रांग सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तभी एक रेंज को ये तोड़ना चाहिए ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। अभी दो कैंडल जो बनी है लाल कलर की, तो लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा 780 का। अगर ये तोड़ दिया तो आगे ये लाइन जो है 758 तक ये जाने की क्षमता रखता है। अगर ये ऊपर का रेजिस्टेंस अगर तोड़ के ऊपर निकला, तो जो यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे निकल के आता है यहाँ पे, तो सबसे पहला ये जाएगा हुए 850 का लेवल, ठीक है। 850 की प्राइस तक जाने की ये कैपेसिटी रखता है, अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के कम्फर्टेबली ऊपर निकला तो। अभी ये जो एक रेंज में जो फंसा है, तो उसमें अभी कुछ बाय सेल आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए और कौन से स्टॉक्स पे आप एनालिसिस जानना चाहते हो, ठीक है। और भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी और कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, और भी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, और उसमें से कुछ आपको नया सीखने को जरूर से डेफिनेटली मिलेगा, और बहुत अच्छे से अच्छे कॉमेंट आ रहे हैं मेरे आपकी तरफ से। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ओके, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।